सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे प्रशिक्षुओं के लगातार शुभकामना संदेश आ रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया एग्जाम में, बहुत अच्छे से मार्क्स गेन किए हैं, 95% 96% मार्क्स तक आप लोगों ने गेन किए हैं। दोस्तों, ये सुनकर के बहुत बहुत खुशी हुई है हमें कि हमने जो पढ़ाया था आपको उसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आए और आपने बहुत ही अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई किया। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे प्रशिक्षु लगातार ये पूछ रहे हैं कि मैम थर्ड सेमेस्टर का पेपर कब होगा। दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर का पेपर कब होगा, इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट रूप से जानकारी भी मिलेगी कि एग्जाम कब तक होगा। और जो प्रशिक्षु लगातार ये पूछ रहे हैं कि टेट की प्रिपरेशन कब होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और यूपी टेट की परीक्षा अब आप लोग बिल्कुल दे सकते हैं, जो भी प्रशिक्षु सेकेंड सेमेस्टर पास हो गए हैं वो लोग बिल्कुल यूपी टेट की परीक्षा दे सकते हैं और मान्य होगा। दोस्तों, अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा। दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा इसको लेकर के आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका थर्ड सेमेस्टर पूरा कब हो रहा है। थर्ड सेमेस्टर आपका पूरा हो रहा है 6 फरवरी को, 6 फेब को आपका पूरा हो जाएगा थर्ड सेमेस्टर और आप फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी आपको पता है कि थर्ड सेमेस्टर की जो इंटर्नशिप है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ये आप लोगों को पता है। अभी थर्ड सेमेस्टर की इंटर्नशिप कहीं नहीं स्टार्ट हुई है, तो आप लोगों को जैसा कि आपने देखा है अभी जो प्रशिक्षु जिनका फोर्थ सेमेस्टर का इंटर्नशिप नहीं कंप्लीट था उनको फॉर्म ही भरने नहीं दिया जा रहा था फोर्थ सेमेस्टर का, तो यहाँ पर भी वही बात आती है। आप लोग के थर्ड सेमेस्टर का इंटर्नशिप जब तक नहीं होगा तब तक किस तरीके से आपका फॉर्म फिल होगा थर्ड सेमेस्टर का। और आप लोगों को ये बात मैंने बताई थी कि अगर फरवरी मार्च में पंचायत चुनाव होते हैं, त्रिस्तरीय जो चुनाव होने हैं पंचायत के, वो अगर फरवरी और मार्च में होते हैं तो आपका पेपर नहीं हो पाएगा फरवरी और मार्च में। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिए, अब पंचायत चुनाव होने हैं अप्रैल में। अब अगर अप्रैल में होने हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों का एग्जाम मार्च फर्स्ट वीक या मार्च लास्ट वीक में हो सकता है। लास्ट वीक में होने के चांसेस अधिक हैं क्योंकि तब तक आप लोगों का इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो सकता है, तो इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद ही आप लोगों का एग्जाम होगा। तो आप लोग ये मान के चलिए कि फरवरी के बाद ही यानी कि लगभग मार्च में ही आपका एग्जाम हो पाएगा, आपका इंटर्नशिप भी कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से बनाइए, आपके पास पूरा फरवरी है अच्छे से पढ़ने के लिए। मार्च में भी तुरंत फर्स्ट वीक में ही एग्जाम नहीं हो जाएगा, मार्च में भी आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, तो आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं और अच्छे से सभी विषयों की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आपके पास समय है। तो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है कि आपकी परीक्षा मार्च से पहले नहीं होगी, वो अगर होगी भी तो मार्च लास्ट ही जाएगा क्योंकि बिना इंटर्नशिप के आपका एग्जाम नहीं होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे प्रशिक्षुओं के ये भी कमेंट आ रहे थे कि मैम हमारा एक या दो सब्जेक्ट में बैक है। अगर एक सब्जेक्ट में बैक है आपका, सिर्फ एक सब्जेक्ट में अगर बैक है तो आपको परेशान नहीं होना है। जिस भी सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है, अगर आप स्क्रूटनी का फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर अधिकतम दो सब्जेक्ट का फॉर्म आप भर सकते हो स्क्रूटनी का, अगर दो सब्जेक्ट में बैक लगा है तो भी, अगर एक सब्जेक्ट में बैक लगा है तो भी आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि एक या दो नंबर कम है तभी आप भर सकते हैं, अगर 5 से 6 नंबर कम है या 7 से 8 नंबर भी कम है तभी भी आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। अभी स्क्रूटनी का फॉर्म आया नहीं है क्योंकि आपको पता है कि 2, 3 और 4 फरवरी को फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं, तो इसी में अभी पीएनपी लगी हुई है, इसलिए अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप लोगों का फॉर्म जो फिल होगा वो स्क्रूटनी का जल्द ही पीएनपी की तरफ से उसका आवेदन लिया जाएगा, तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपको थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा पर ध्यान देना है। जिन भी प्रशिक्षुओं का सेकेंड सेमेस्टर अच्छे से निकल गया है या जिन भी प्रशिक्षुओं का एक या दो सब्जेक्ट में बैक है, अब जिन भी प्रशिक्षुओं का 3 सब्जेक्ट में बैक है, 3 सब्जेक्ट का मतलब है कि अब उन प्रशिक्षुओं को पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का भी पेपर देना पड़ेगा, पूरा सेकेंड सेमेस्टर का भी पेपर देना पड़ेगा। उन प्रशिक्षुओं के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती है जिनका 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है।
तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो थर्ड सेमेस्टर के पेपर हैं ये मार्च लास्ट तक ही जाएगा, मार्च के फर्स्ट वीक में भी होना असंभव है, क्योंकि बिना टीचिंग लगे बिना इंटर्नशिप किए आप लोग का एग्जाम नहीं होगा। तो अभी आप लोगों को पता है कि अभी इंटर्नशिप आप लोगों की थर्ड सेमेस्टर की हो नहीं रही है, कहीं भी नहीं हो रही है। तो इसलिए आप लोगों को बस अपनी तैयारी बेहतर बनानी है, और जिन भी प्रशिक्षुओं ने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से वीडियोस को देखा है और अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, प्लीज दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षु हमारे चैनल से जुड़ सके और जो लाभ आपने लिया है पढ़ करके वही लाभ आपके साथी आपके फ्रेंड्स भी लें। तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ये जो आपको मैंने बताई है डेट, इसी डेट में आपके एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं, तो आप लोग इसी के अनुसार अपनी तैयारी बनाइए। आपको पता है कि मैंने फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन पूरा पढ़ा दिया है, सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया, वो भी मैंने अपने हाथ से लेकर के आपके लिए नोट्स बनाए हैं, साइंस विषय पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया है, आप लोग का संस्कृत विषय स्टार्ट कर दिया है वो भी पढ़ा रही हूँ, तो आपको हर विषय की यहाँ पर वीडियोज मिल रही है, हिंदी विषय भी कंप्लीट हो चुका है पढ़ा करके, SST सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाया जा रहा है, मैथ भी पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर भी पढ़ाया जा रहा है, हर एक विषय की तैयारी आपको हमारे चैनल पर मिल रही है। तो दोस्तों आप लोग प्लीज सभी वीडियोस को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी, और यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं और अपने थर्ड सेमेस्टर की तैयारी को बहुत बहुत बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे दोस्तों, और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे पूछेंगे और अपनी सभी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त करेंगे। तो बस ऐसे ही चैनल से बने रहिए, और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे पूछिए, आपको सेमेस्टर बैक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछिए, आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, स्क्रूटी का फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, आप लोग जरूर कमेंट करिए, आपके सभी कमेंट्स का आंसर हम देंगे। तो बस ऐसे ही चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोज को देखते रहिए, जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा और सभी वीडियोस को देखते रहिएगा। दोस्तों आपको आप जो भी क्वेश्चंस पूछोगे उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगी, तब तक आप लोग जहां भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, आपको सभी डाउट्स के आंसर मिल जाएंगे और आप लोग अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो बिल्कुल चिंतित नहीं होना है, आप लोग लगे रहिए पढ़ाई में, आप ऐसे ही अगर लगे रहेंगे मेहनत करते रहेंगे तो आपके सारे सेमेस्टर भी निकल जाएंगे, आप यूपी टेट भी पास कर लेंगे, सुपर टेट भी पास कर लेंगे और बहुत ही आसानी से आप शिक्षक बन पाएंगे। तो बस ऐसे ही सभी वीडियोज को देखते रहिए दोस्तों और वीडियोज को शेयर करते रहिए, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षु भी वीडियोज को देखें और अपने सपने को साकार करें। बस ऐसे ही दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियोज को देखते रहेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी हमारे चैनल से जोड़ते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जय हिंद दोस्तों।